अयोध्या में 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे और उसमें जब हजारों की संख्या में जो वीआईपी आएंगे उनके लिए महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। मैं इस वक्त अयोध्या के रानोबाग इलाके में हूँ, वहाँ पर गुजरात की एक संस्था है और वो यहाँ आप देख सकते हैं भोजन से लेकर के महाप्रसाद की पूरी तैयारी हो रही है और हजारों की तादाद में लड्डू बनाए जा रहे हैं। किस तरह का आयोजन है इस बार, आप लोगों की क्या व्यवस्था है, जो वीआईपीज आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह का प्रसाद आप लोग अरेंज कर रहे हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम। जो कार्य हमें मिला है, हमारा भाग्य है कि श्री राम भगवान ने हमें इस कार्य के लिए चुना और ये कार्य हम कर रहे हैं। तो प्रसाद का तो मुद्दा ऐसा है कि जो ट्रस्ट के साथ हमने जिस समय बैठक की थी तो ट्रस्ट ने हमको ये एक बात बताई थी कि विशेष प्रसाद अगर हो सके तो ये व्यवस्थापन कर सकते हैं। प्रसाद तो हर कोई देने वाला है, लड्डू दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो उसका विशेष क्या है? तो हमने विशेष प्लान ये दिया कि सनातन धर्म है तो सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए साथ में। तो हमने सरयू नदी का जल जो विशेष है अयोध्या नगरी के लिए, फिर उसके साथ है अक्षत है, सुपारी है, कलावा है जो रक्षा है, तो ऐसा हमने एक पैकेट तैयार किया जिसके माध्यम लड्डू भी रहेगा और इसके साथ ये व्यवस्था भी रहेगी। तो एक महाप्रसाद के रूप में इसको हमने तैयार किया है और ये तैयारी होने के बाद कल ये बॉक्स पहुंच जाएंगे और उसके बाद में 22 तारीख को इसका वितरण होगा। अच्छा, तो आप लोग ही वितरण करा रहे हैं? हाँ, हमारी तरफ से ये कार्य वितरण रहेगा। कितने लोग इसको बना रहे हैं, कितने पैकेट तैयार हो रहे हैं? ये 5000 किलो है और कम से कम 20000 बॉक्स है। तो जितने वीआईपी आएंगे उस दिन 22 तारीख को उन सबको, हाँ जो भी महानुभाव रहेंगे उनको ये प्रसाद दिया जाएगा। इसको लेकर के ट्रस्ट से आपसे बात हुई और ट्रस्ट ने आपसे अनुमति दी? क्योंकि हमारे साथ ट्रस्ट ने तीन चीजों पे डिस्कस हुआ था, एक तो संतों की भोजन व्यवस्था है उस पर भी बात हुई थी, तो हमने भोजन व्यवस्था पूर्ण ले ली थी कि भाई ये आश्रम के माध्यम से जो भी कार्य होगा, जो संत रहेंगे या जो भी संत बाहर से आएंगे या कोई भी, चाहे पुलिस विभाग का आदमी हो चाहे कोई भी हो, उन सबकी व्यवस्था हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने ये व्यवस्था हमने ले ली। उसके बाद में प्रसाद का महत्व था, तो प्रसाद का महत्व उन्होंने मुझे बताया कि कुछ होना चाहिए प्रसाद के अंदर, तो विशेष था इसलिए हमने विशेष प्रसाद का काम किया। इसमें ये सब ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। कौन सी ट्रस्ट है और कितने साधु संतों के भोजन की जो व्यवस्था बता रहे हैं? हमारी लिमिट ऐसी है कि हम तो खिलाने बैठे, 5000 भी आ जाए 10000 भी आ जाए, हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है, जितने भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे आ सकते हैं। हमने ऐसे भी प्लान किया कि हम रात्रि के समय हमारी गाड़ियां भी जाती है, अगर कोई रोड पे ऐसा है परिवार और उसको नहीं आसरा या नहीं भोजन की व्यवस्था तो हम उसको लाके हमारे टेंट में व्यवस्था दे रहे हैं, ये भी हमारी तैयारी है। क्या नाम है ट्रस्ट का, कहाँ से है? एक्चुअली भगवा सेना है हमारा जो संगठन है, हमने जो कार्य किया है वो गर्वी गुजरात संत सेवा समागम के नाम से किया है और भगवा सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कमल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। मैं आपको वो लड्डू और वो महाप्रसाद भी दिखाऊंगा। आप देखिए जो भोजन है वो तैयार है, पनीर की सब्जी है, इसके अलावा इधर आप देखिए बड़े बड़े डेगों में ये आलू की सब्जी है, इसके अलावा पूड़ियाँ बनकर के तैयार हो रही हैं, दाल मखनी बनकर के तैयार है, पूड़ियों का परमानेंट जो व्यवस्था है, चूल्हा यहाँ का जब से चलना शुरू हुआ है तब से लगातार यहाँ पर प्रसाद और भोजन के अलावा, आप ये देखिए ये महिलाएं लड्डू तैयार कर रही हैं। यही महाप्रसाद में ये सबसे अहम चीज है, महाप्रसाद यही जो भी वीआईपी आएंगे, जैसा कि बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के संस्थानों ने बाकायदा यहाँ पर अंबानी से लेकर के अडानी से लेकर के विराट कोहली से लेकर के बड़े बड़े सुपरस्टार तक को ये निमंत्रण पहुंचा है और निमंत्रण पहुंचने के बाद आप ये लड्डू देख सकते हैं, लगातार ये इतना मावा, मतलब करीब हजारों की तादाद में लड्डू और 20000 पैकेट तैयार हो रहे हैं। देखिए जो लड्डू बन रहा है, ये लड्डू रखे हुए हैं इधर टेबल पर, पूरे लड्डू रखे हुए हैं और ये उदासीन अखाड़े का इलाका है और यहाँ पर गर्वी सेना की तरफ से ये पूरी तरीके से तैयार किया गया है और सबसे खास बात यह है कि पूरी तरह से साफ सफाई यहाँ पर रखी गई है। साफ सफाई के हिसाब से आपको बताएं कि बहुत ही स्वच्छता का बिल्कुल विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि भगवान राम प्रभु श्री राम के आने पर उनके स्वागत के लिए और उनके साथ जो जितने भी लोग आ रहे हैं गणमान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे के बाद, उनको ये लड्डू दिए जाएंगे और उन्हीं का ये महाप्रसाद तैयार हुआ है। इसके साथ में सरयू का जल और अन्य चीजें भी देने का जो पैकेट जो है बताया गया है वो है। आप देख सकते हैं एक तरफ ये रबड़ी तैयार हो रही है, रबड़ी है, उधर बर्फी बन रही है लगातार। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं, क्या क्या तैयार किया अभी तक आप? हमने बेसन के लड्डू तैयार किए हैं
हमारे अयोध्या में राम मंदिर आए हम प्रसादी बनाने के लिए, और यहाँ पे हमने खीर बनाई है प्रसादी के लिए, साधु महात्मा के लिए, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में आने से। कहाँ से आए आप? हम जोधपुर से आए हुए हैं, बालेश्वर तहसील से। अच्छा, पाली तहसील से। तो पूरी टीम बालेश्वर तहसील से आए हुए हैं, अहमदाबाद के वैसे हम। अच्छा, तो पूरा कैटर्स अहमदाबाद से आया हुआ। हाँ जी, माँ कैटर्स पूरा अहमदाबाद से, गुजरात की ही ट्रस्ट इसको तैयार कर रही। मैं बाहर आपको दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए हैं। आप देखिए जो व्यवस्था यहाँ की पूरी संभाल रहे हैं, वो भी मेरे साथ में। क्या क्या तैयार हो गया है अब तक, और कितनी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है आपकी? जय श्री राम, जय श्री राम। ये लड्डू की तैयारी चल रही है अभी। जैसे हमने 20,000 पैकेट थे, उसमें से 15,000 पैकेट हमारे बन चुके हैं। 5,000 पैकेट आज रात में लगभग हमारे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सब आप दे देंगे ट्रस्ट को और वो फिर बांटेंगे? कल दोपहर तक हम वहाँ पहुँचा देंगे सब, पूरा यहाँ से पैकेट रेडी कर कल दोपहर तक वहाँ ट्रस्ट में पहुँचा देंगे। अच्छा, साधु संत, कितने साधु संत आपके यहाँ रुके हुए हैं अभी? साधु संत तो हमारा 2,000 आदमी का रोज का टारगेट चल रहा है, उसमें साधु संत भी है, पुलिस फोर्स के भी है, और यहाँ पे जो इस्कॉन ग्रुप के उनके भी सदस्य हैं यहाँ। तो 2,000 आदमी का रोज का खाना चल रहा है। तो रोज का खाना चल रहा है, सब कुछ फ्री? 1 रुपया निःशुल्क, कुछ नहीं लेना, सेवा के भाव से करना है। तो ये सेवा के भाव से बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लड्डुओं का महत्व, और वो भी। मेरा नाम राजू देवासी है, माँ भवानी कैटर्स मेरी फर्म है अहमदाबाद में। ऐसे हम राजस्थान के रहने वाले, पाली जिला जो हमारा गांव है, व्यापारी भरो। और ऐसे वर्षों से हम अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, और भगवान की कृपा रही कि हमारे को सेवा का मौका मिला, और मेरी पूरी टीम भरो इसमें लगी हुई है तन मन धन से। इतने आज इतने 60 साल के उम्र के सब लोग हमारे साथ में जुड़े हुए पूरे, और उन लोगों को भी ऐसा उत्साह है कि इतने दिन आज 13 तारीख से हम लोग काम पे लगे हुए, 13 तारीख आज तक किसी को ऐसा नहीं हुआ बुखार तक आया, ये भगवान की विशेष कृपा रही है। अच्छा, क्या साधारण व्यक्तियों के लिए भी जो आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है, या कि अभी जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए? मेहमानों के लिए भी है, और हमारे ट्रस्ट की तरफ से गाड़ियां बाहर घूमती है रात के समय में। जैसे कोई आदमी यहाँ आ गया और उसको सुविधा नहीं है, तो उसको हमारे टेंट बनाए हुए हैं यहाँ, उसके अंदर व्यवस्था, उसको जलपान भी हो जाएगा, रहने की सुविधा सुविधा रात के समय हमारे कोई ऐसा बाहर भूखा ना सोए, कोई ठंडी में ठहरे नहीं, उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने की हुई उसके लिए। तो आप समझिए कि पाली के रहने वाले हैं भाई साहब, काम करते हैं अहमदाबाद में, सेवा के लिए यूपी के अयोध्या को चुना है, और वो भी ऐसे पावन वक्त में जब प्रभु श्री राम अपने महल में, अपने मंदिर में आने वाले हैं। बस इंतजार है, कुछ घंटे बाकी हैं, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।